स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। एक नया और बेहतरीन गेम प्ले लाया हूँ हेराल्ड सीरो के साथ, लिंग और कीबो। अपोनेंट है सोलोइंग 96। शुरुआत मैंने लिंग से किया है, उसने एम्परर से। नो चीयर्स फॉर यू, फाइट। ग्रैब करने का मौका, जो कि मैं हमेशा देता हूँ अपोनेंट्स को। अभी लिंक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है दोस्तों यूज़ करने के लिए। बेहतर डिफेंस और काफ़ी अच्छे ट्रिक्स ब्लॉक ब्रेकर के साथ। शैडो मूव भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों, डिपेंड नहीं है आप शैडो मूव पे उसके। लिंक एक ऐसा हीरो है अभी जो किसी को भी हरा सकता है दोस्तों। चलिए सदन ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, क्या डैमेज है। एम्परर काफ़ी अनॉइंग हो सकता है दोस्तों, पता चलेगा क्यों इस वीडियो में भी आप देखेंगे, खास करके इसी गेम प्ले में। एक देखो, आगे भी आ जाओ यार। कहाँ मेरा हेल्थ था दोस्तों, आप देख ही रहे थे, और अभी मेरा हेल्थ कहाँ पहुँचेगा वो भी देख ले रहा। अच्छा, ये जो शेडो मूव था एम्परर का, बीस्ट का, ये हम लोग डॉच कर सकते हैं जंप किक के ज़रिए। पहले जंप किक से डॉच करना है, फिर जंप किक से अटैक करना है। ऐसे आप देखेंगे, देखिए यही वाला सेम चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ये मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, हमेशा काम करता है। चलिए सडन ट्रिक, और मुझे लगा था ख़त्म है, लेकिन 8 HP बचा हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पर होल्ड कर दिया। मुझे लगा वो ख़त्म हो चुका है। चलिए जंप किक और ये एम्परर ख़त्म। चलते हैं अगले हीरो की तरफ। जो कि है बंदर। राउंड 2, नो चीयर्स फॉर यू, फाइट। नया फाइट पास जल्द ही आने वाला है दोस्तों, अभी कोई डिटेल्स पता नहीं चला है, लेकिन बीटा पे जैसे ही आता है वैसे ही लाइव स्ट्रीम करूंगा आप लोगों के लिए, तैयार रहिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे पता चल जाए किस मोमेंट में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। चलिए अगली मेरी कीबो है। बेस्ट हेराल्ड डियो, लिंग और कीबो। लिंग मास्टर, कीबो शिष्य। चले यहाँ पे ग्रैब कर सकते थे, लेकिन बेसिक काम कर दिया। एक और हिट। मंकी किंग का डैमेज भी देख रहे दोस्तों, कितना जबरदस्त है। चलिए यहाँ पे ख़त्म है, आखिरी हीरो की तरफ चलते हैं, जो कि है लिंक्स। अनराइवल्ड असेसिंग के साथ किया है। राउंड 4, फाइट। चलिए 1000 cuts कनेक्ट हो गया। डैमेज भी बहुत भयंकर, कॉन्फिडेंस इनटू 1 में। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा नर्फ हुआ है दोस्तों, पहले के मुकाबले अब उतना डैमेज नहीं दे रहा है जितना डैमेज पहले देता था। चलिए यहाँ पे एक और हिट और ये लिंक्स ख़त्म। चलते हैं अगले अपोनेंट की तरफ। माचो लेवल 12। शुरुआत मैं लिंक से करूंगा। लिंक से शुरुआत करने का एक और कारण है दोस्तों, अगर राउंड में हार भी जाता हूं तो कीबो को कॉन्फिडेंस यूज करने का फिर नेक्स्ट राउंड में मौका मिल जाएगा। उसने शुरुआत कीबो से किया है कॉन्फिडेंस के साथ, सेम बिल्ड जो मैं यूज कर रहा हूं। नो चीयर्स फॉर यू, मेरी शिष्य, फाइट। गुरु वर्सेस चेला है दोस्तों। पहले एक हम लोग गुरु वर्सेस चेला 5 खाते थे, याद है मुझे। चलिए फ्लास्क थ्रो कनेक्ट हुआ, देखिए कितना डैमेज किया है दोस्तों। और आप लोग भी जानते हैं कि लिंक का जो बेसिक अटैक है वो काफ़ी फास्ट है, और यहाँ पे मेरे को 1000 cuts लग गया। बैक अटैक करना चाहिए था मुझे। चलिए कोई बात नहीं,
लिंक के साथ दोस्तों किक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किक्स का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। बेसिक तो आप लोग भी जानते हैं कि हेराल्ड्स का बेसिक किक जो है बहुत फास्ट है, बैक किक भी काफ़ी अच्छा है, बहुत टाइम लगा रहा है। होंगजो को चुना है उसने, ब्लेजिंग फ्लाइट, रिहर्स्ड कॉम्बो, एक्टिंग मास्टरी के साथ। चलिए सडन ट्रिक मिस हो गया मेरा, फ्लास्क थ्रो लेकिन कनेक्ट हुआ। ट्रायंफ भी लग गया मुझे, ग्रैब करना चाहिए था उस जगह पे। चलिए इस बार मेरा सडन ट्रिक लग गया। ट्रायंफ एक बार फिर से, बहुत हेल्थ कम है मेरा। देखिए हैवी का गजब डैमेज है लिंक का, थोड़ा सा ब्रेन फेड मोमेंट था और मेरा लिंक यहाँ पे हार गया दोस्तों। चलिए किबो को बुलाते हैं, किबो से फटाफट ख़त्म करते हैं। राउंड 3 फाइट। चार कॉम्बोज में ट्रायंफ फुल। बहुत सबके कैंपर्स का आजकल पसंदीदा हीरो है दोस्तों होंगजू। चलिए कॉन्फिडेंस इन टू वन, आखिरी उसका एम्परर है। फाइट। ग्रैब करना चाहिए था उस जगह पे। चलिए रोलिंग वेव्स कनेक्ट हो गया, मैं जानता था वो बीस्ट वॉन्ड में जाएगा। थाउजेंड कट्स इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगा था दोस्तों कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 69 एचपी बचा हुआ है, माइंड यू 69 एचपी। चलिए जंप की और गया ओपोनेंट ख़त्म। चलते हैं अगले अपोनेंट की तरफ दोस्तों। अच्छा मैच था काफ़ी। नेक्स्ट अपोनेंट है ब्लैक डेथ। शुरुआत चाचा जी से किया हूँ मैं, लिंक चाचा, उसने लिंक से किया है शुरुआत। नो चीयर्स फॉर यू। फाइट। चलो एक बात पूछता हूँ, आप लोग बताओ कि गेम में 18 हीरोज है टोटल और रेंज्ड वेपन सिर्फ दो के पास नहीं है मेरे ख्याल से। एक हमारे आयरन क्लैड और एक शायद, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा सिर्फ आयरन क्लैड के पास ही रेंज्ड वेपन नहीं है। रेंज्ड वेपन आर्मर के साथ किसका किसका शो करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल लिंग का फ्लास्क थ्रो जैसे आप देख रहे हैं शो करता है, होंगजू का भी शो करता है, मिडनाइट का शो नहीं करता है, एम्परर का शो नहीं करता है, जुमा का शो नहीं करता है, बुलवर्क का तो खैर शो नहीं करता है, केट का भी शो नहीं करता है मेरे ख्याल से। सिर्फ हमको लगता है होंगजू और लिंग का ही जो रेंज वेपन है वो शो करता है आर्मर में। मैं चाहता हूँ कि सब का रेंज वेपन जो है ना वो आर्मर में शो करे, काफ़ी कूल लगेगा वो। चलिए अगला बुलवार्क है, काफ़ी अनॉइंग हो सकता है दोस्तों बुलवार्क में, फोर्ट्रेस के साथ काफ़ खास करके लो अटैक करना चाहिए था वहाँ पे मुझे। चलिए शटल ट्रिक काम कर गया, फ्लास्क थ्रो, लेकिन उसने ग्रेट रिएक्शन चुना है।
और यहाँ पे लगता है मेरा यस लिंग हार गया दोस्तों। चलिए कीबो से खत्म करते हैं फटाफट। राउंड 3 फाइट। फंस गया यहाँ पे, कोई नहीं। बुलवार्क है तो थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बुलवार्क और सार्ज के सामने सावधानी बहुत ज़रूरी है। चलिए बुलवार्क ख़त्म है, आखिरी उसका जुमा है हमारे दरबान बाबा। पेनफुल न्यूट्रलाइजेशन, नगीनाटा फ्लाइट, इम्पल्स, सैडो सप्रेशन, फाइट। जैसा कि आप देख रहे थे दोस्तों, मैं इस्तेमाल किया अप अटैक से, बिकॉज अजुमा के जितने प्लेयर्स हैं लगभग सारे बैक अटैक से इस्तेमाल करते हैं या फिर लो अटैक से जो शुरू में इस्तेमाल करते हैं। तो एक टिप है, यहाँ पे उसने मिस कर दिया और मुझे मौका मिल गया। एक और हिट, जी हाँ ख़त्म। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये हेराल्ड सिरो का जो कटाना एडिशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।